अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलीम फ्रॉम स्किल्स अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल हमिंग बर्ड की। तो ये बेसिकली लॉन्च हुआ था अगस्त 22, 2013 को। तो ये इफेक्ट करता है कीवर्ड स्टफिंग और लो क्वालिटी कंटेंट। तो गूगल हमिंग बर्ड बेसिकली ये चीज थी कि गूगल ने जो कंटेंट है उसको समझने की कोशिश की कि लोगों ने लिखा क्या है। तो इससे पहले लोग ज्यादातर स्पैम कंटेंट यूज करते थे, मतलब किसी का कंटेंट कॉपी करके उसमें से कुछ वर्ड वगैरह चेंज कर लिए और फिर रैंडम वर्ड टूल्स के जरिए ऐड कर दिए। तो वो गूगल समझता था शायद यूनिक कंटेंट है। तो गूगल हमिंग बर्ड के जरिए उसने फिर उनको पढ़ना शुरू कर दिया और जो ज्यादा लॉन्ग टेल सर्च क्वेरीज होती हैं उनके एक्यूरेट सर्च रिजल्ट दिखाने शुरू कर दिए। तो बेसिकली अगर आप लो क्वालिटी कंटेंट यूज करेंगे, मतलब उसके वर्ड काउंट कम होंगे या फिर वो थोरो नहीं होगा, मतलब इतना ज्यादा लंबा नहीं लिखा होगा डिटेल से, तो वो रैंक नहीं होगा। तो बेसिकली गूगल हमिंग बर्ड इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर एग्जैक्ट वर्ड ना भी यूज किया गया तो वो फिर भी रैंक हो सकता है पेज, क्योंकि ये आप पेजेस को समझना शुरू हो गया। तो इसके लिए ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज करता है जिसमें कोअक्रिंग टर्म्स और सिनोनिम वगैरह को देखा जाता है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, उम्मीद है आपको न्यू चीजें सीखने को मिली होंगी। अल्लाह हाफिज़।